स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर का आज लोकार्पण करते हैं। ये सिर्फ एक इमारत का लोकार्पण नहीं है, ये एक प्रकार से अरुणाचल के सपनों का एक जीता जागता ऊर्जा केंद्र बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां कॉन्फ्रेंसेस के लिए सुविधा होगी, कल्चरल एक्टिविटी के लिए सुविधा होगी, और अगर हम अरुणाचल में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो मैं भी भारत सरकार की भिन्न भिन्न कंपनियों को कहूंगा कि अब वहां कन्वेंशन सेंटर बना है, आपकी जनरल बोर्ड की मीटिंग जाओ अरुणाचल में करो, और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना शुरू होगा। तो आजकल टूरिज्म का एक क्षेत्र होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, और ऐसी व्यवस्था जब बनती है तब सब लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक होता है। हम लोगों ने सरकार में भी एक नया प्रयोग शुरू किया है, हम सरकार दिल्ली से 70 साल तक थे और लोग दिल्ली की तरफ देखते थे, हमें आकर सरकार को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाने का बीड़ा उठाया है। अब सरकार दिल्ली से नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने को लगना चाहिए, सरकार वो चला रही है।